हम उड़ीसा चलते हैं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। मु गोविंद चंद्र शतपथी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। मेरा नाम गोविंद चंद्र शतपथी जी। हाँ जी, मु कुकुराखंड रे गंजाम जिलार कुकुराखंड रे रहुची एवं पुरोहित काम करुची। मैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट के कुकुराखंडी गांव में रहता हूँ और मैं वहाँ पे पुरोहित का काम करता हूँ। गत 2017 साल फेब्रुआरी 15 तारीख दिन मोर बड़ झी स्कूल को झीक बाहूला ये समय गोटे जातवाही बस तापर माड़गला डेथ हो गए। पिछले 15 फरवरी 2017 को जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल के लिए घर से रवाना हो रही थी तो एक बस से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे उनकी मौत हो गई। कितनी उम्र थी बेटी की? 24 साल तक। 24 साल। यह पूर्व बैंक मैनेजर हमारे कुकुराहांडी इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर गाँव गाँव बुली स्कीम विषय प्रचार करते से समय ही झील ये दुईटा स्कीम ना खुलते। इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर साहब उस समय हमारे गांव घूम घूम के इस योजनाओं के बारे में सबको बताते थे। उस समय मेरी बेटी उन दोनों योजना PMSBY PMJJBY को ली थी, वहाँ बैंक जाकर उसको लिए थे। जितेबले झीर आकस्मिक दुर्घटना घटला तापर बैंक मैनेजर मत बैंक को डकैले एवं ये बीमा दुईटा विषय मत कहले। एक्सीडेंट के बाद जब मैनेजर साहब मुझे बैंक में बुलाने के बाद इन दोनों बीमा योजनाओं के स्कीम के बारे में बताए जो कि मेरी बेटी पहले से ले चुकी थी। बैंक रे समस्त प्रकार कागज पत्र जमा कला पर एक मास मध्य मत से दुईटी जाक प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये दुईटी जाक बीमा मध्यम 2-4 लाख टंका एक मास मध्य पाइली। बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद एक महीने के अंदर दोनों स्कीम के मुझे 4 लाख रुपए बैंक के थ्रू मिल गए। देखिए गोविंद जी, आपने देखा होगा कि एक अगर वो जीवित होती तो आपकी कितनी सेवा करती, लेकिन नहीं जीवित रह पाई तो भी आपके परिवार की चिंता करके गई। उसने ऐसी बीमा योजना बना करके गई, बहुत कम पैसों वाली बीमा योजना बना के गई, लेकिन परिवार के लिए 4 लाख रुपया छोड़ के गई। अब देखिए, एक व्यक्ति सजग होता है, थोड़ी चीजें जानकारी लेता है, सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ लेना चाहिए उसमें सजगता रखता है, तो आप संकट के समय में कैसे आपको ये मदद मिल गई। बेटी बेटी होती है, बेटी का न होना तो बहुत बड़े दुख की बात होती है, लेकिन बेटी जाने के बाद भी बूढ़े माँ बाप के लिए कैसा काम करके जाती है ये आपकी बेटी ने दिखाया है। मैं आपकी बेटी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ और आपको भी कि आप इस संकट के समय औरों को प्रेरणा दे रहे हैं कि देखिए आपकी बेटी जागरूक थी तो कैसे आपको मदद मिली, और की बेटियाँ भी जागरूक हो, ये आपका संदेश है।